और सैलाब के सितम के बीच आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बाढ़ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 200 से ज़्यादा कारें जो हैं वो बाढ़ के पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि नई कारें थी, कारों के चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। बारिश और बाढ़ से विजयवाड़ा ज़िला जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और ये वायरल तस्वीरें उन 200 कारों की, जो बिल्कुल नई कारें हैं और बाढ़ में पूरी तरह से यहाँ पर ये बर्बाद होती हुई नज़र आ रही हैं। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक बच्चे के रेस्क्यू का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि गले तक डूबे हुए दो व्यक्ति जो हैं वो एक प्लास्टिक के क्रेट में इस छोटे से नवजात बच्चे को बमुश्किल ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। गर्दन तक पानी में डूबे हुए हैं दोनों, और इस डब्बे में वो धीरे धीरे बाढ़ के पानी से बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों के जीवन को बुरी तरह बाढ़ ने प्रभावित कर दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जेसीबी पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी पहुंचे और हालात का उन्होंने जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों से भी मुख्यमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने 4 घंटों तक अलग अलग इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से भी बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली है। और आंध्र और तेलंगाना की बाढ़ को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तीसरे दिन के लिए दौरे पे निकले और वह एक जेसीबी पर 3-4 घंटे उन्होंने बिताए अंदर के इलाकों में जाने के लिए। 25 किलोमीटर तक उन्होंने कवर किया। उनका कहना था कि जब तक मैं ग्राउंड में नहीं जाऊंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या रिलीफ या रेस्क्यू लोगों तक पहुँचती है, आखिरी आदमी तक पहुँचती है या नहीं। मैं चॉपर तो ले सकता था लेकिन उससे लोगों में के जीवन में क्या चल रहा है ये मुझे पता नहीं चलेगा। तो अब रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान सरकार का है। उनका कहना है कि वायरल फीवर या बहुत सारे ऐसे फीवर्स अब आ सकते हैं और इसीलिए सेफ पानी और खाना लोगों तक पहुंचाने का की जिम्मेदारी सरकार पर है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कल 30 तक ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे और आज और 30 ड्रोन लाए गए हैं ताकि सबको पानी और खाने का की जो सुविधा है वो पहुंचाई जा सके। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बहुत सारे जो वाहन हैं जो ये मट्टी में या मिट्टी में पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं या फिर जो घरों के अंदर जो मिट्टी पड़ी हुई है उनको क्लीन करने के लिए फायर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको भेजा जाएगा ताकि क्लीनिंग में थोड़ी आसानी हो, ताकि जब पानी निकल जाए तो लोग अपने घरों में जा सके वापस। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो असेसमेंट किया जाना चाहिए कि फसल की कितना नष्ट हुआ है फसल, उसके लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स लगाकर केंद्र सरकार को भी दिया जा सके ताकि सहायता की मांग उनसे की जा सके। दूसरी तरफ बहुत सारे एक्टर्स सामने आए हैं पैसा देने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। CM रिलीफ फंड में पवन कल्याण जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी 1 करोड़ रुपया दिया है और खुद मुख्यमंत्री की श्रीमती जी भुवनेश्वरी जी उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है 1 करोड़ रुपया हेरिटेज फूड्स की तरफ से। और उन्होंने अपील भी की है कि लोगों को इस समय जो आपत्ति आई है आंध्र प्रदेश पे, उनका कहना है कि साइक्लोन हुदहुद या फिर साइक्लोन तितली से भी ये वर्स है और इसलिए लोगों को सामने आना चाहिए ताकि हेल्प हो सके वापस ज़िंदगी की पटरी को चलाने में आम आदमी के लिए। अगर आप देखें तो जो नए गाड़ियां हैं, एक इमेज ऐसी आई है कि 200 से ज़्यादा नई गाड़ियां वहाँ पर खड़ी हैं और उनमें पूरा पानी हो चुका है। एक और इमेज अगर आप देखें तो बाहुबली जैसे मूवी का ही एक सीन जैसा दिखता है, क्योंकि एक बच्चे को एक प्लास्टिक क्रेट में डाला गया है, फोम पर रखा गया है और 2 आदमी उसको लेके जा रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है उनके कंधे तक और उस पानी के बीच में वो एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की जो फ्लडिंग सिचुएशन है, चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि पहले कभी नहीं हुआ और इसलिए हुआ कि
अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुए, यानी कि इससे पहले इतनी बड़ी बारिश नहीं हुई और कुछ एनक्रोचमेंट्स या कुछ ब्रीचेस की वजह से ये पूरा हादसा हो गया।